दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे एक नई वीडियो में, नई नॉलेज नई ज्ञान। तो दोस्तों आज हम लोग इन खराब एलईडी बल्ब्स को इस खराब दवाई के रैपर से ठीक करने वाले हैं। तो दोस्तों आज आपको बताएंगे कि बिना किसी आयरन शोल्डर की मदद से आप एलईडी बल्ब को कैसे रिपेयर कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने देगा, वीडियो बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। और दोस्तों चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। दोस्तों फटाफट से वीडियो शुरू करते हैं, हम लोग बाकी बल्ब को साइड कर लेते हैं। तो अभी फिलहाल हमारे पास ये एलईडी बल्ब है। तो दोस्तों देखते हैं हमारे पास होल्डर है, इसका तार हम लोग का बोर्ड में लगा हुआ है। अभी इसको हम लोग चेक करते हैं। तो दोस्तों देखते हैं बहुत लाइट डीम ग्लो कर रही है इस तरीके से। तो इस तरीके के बल्ब को हम लोग इस खराब दवाई के पत्ते से ठीक करने वाले हैं। दोस्तों देखिए तो वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम लोग क्या चेक करना होगा, इसके ऊपर के ढक्कन को हम लोग खोल लेंगे। थोड़ी सी मेहनत करेंगे दोस्तों, ये आराम से खुल जाएगा। और उसके बाद दोस्तों सबसे पहले हम लोग क्या चाहिए, इस होल्डर को इसको हम लोग इसमें लगा देंगे। तो उसके बाद दोस्तों हम लोग चाहिए एक इस तरीके के वायर का टुकड़ा, देख सकते हो दोस्तों इस तरीके के वायर टुकड़ा चाहिए होगा। तो अब हम लोग इस वायर टुकड़े को क्या करेंगे, इन सभी एलईडी बल्ब पे लगा के चेक करेंगे। कई बार दोस्तों क्या होता है, एलईडी बल्ब हमारे वीक हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा ये जो है इस तरीके की भी फॉल्ट आती है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, सारे एलईडी बल्ब पे वन बाई वन लगा के चेक करेंगे। तो दोस्तों देख सकते हैं ये एलईडी बल्ब हम लोग का ख़राब है। तो ये एलईडी बल्ब कौन सा है देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे, तो ये रेजिस्टेंस के बगल में लगा हुआ है, ये बल्ब ख़राब है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग पेचकस की मदद से, दोस्तों देख सकते हैं इस तरीके से पेचकस की मदद से हम लोग इसको साफ कर लेंगे, इस तरीके से पूरा इसको साफ कर लेंगे। अभी हम लोग इसमें कोई भी दोस्तों आयरन शोल्डर यूज़ नहीं करने वाले, अभी हम लोग सिर्फ दवाई का रैपर का ही इस्तेमाल करेंगे। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि इसी तरीके का और भी जुगाड़ू वीडियो आप लोगों को मिल सके और इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड हर वीडियो की जानकारी आप लोगों को मिल सके, आप लोग अच्छा काम सीख सकें दोस्तों। तो दोस्तों देखते हैं इसको उन्होंने साफ कर लिया। अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, ये दवाई का जो रैपर है हम लोग इसके ऊपर का जो ये हिस्सा इसको निकाल लेंगे। तो दोस्तों एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, कभी भी इस तरीके से रिपेयर करते हो जो प्रिंटेड साइज जो ये प्रिंट वाला हिस्सा होता है दोस्तों, ये इसको हम लोग ऐसे इसके ऊपर रखना होता है, ठीक है। तो अभी हम लोग फटाफट इसको छोटा टुकड़ा कर लेते हैं। तो हम लोग साइज में काट लेते हैं इसको, तो कैची की मदद से हम लोग इसको साइज में काट लेंगे। दोस्तों देख सकते हैं हमने इतना बड़ा इसको टुकड़ा काट लिया है, हालांकि ये भी बड़ा है अभी, तो उसको हम लोग थोड़ा सा और छोटा करेंगे। और रख के देख लेंगे एक बार। दोस्तों इतना बड़ा टुकड़ा मान ली बहुत है। अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, हमें से ये होगा, हमारे पास दोस्तों एक कैनोला फिक्सर का ये पड़ा हुआ है, तो आप कोई भी टेप ले लीजिएगा नॉर्मली, हमारे पास ये पड़ा हुआ है। तो हम लोग कुछ नहीं ले रहे, इसी का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हम लोग इसको थोड़ा सा काट लेंगे यहाँ पे, तो ये थोड़ा सा हार्ड होता है, इससे आसानी से नहीं कटता है। आप लोग कोई भी डॉक्टर टेप या कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरीके से दोस्तों इसके ऊपर रख के हम लोग इसको ऐसे चिपका देंगे। तो दोस्तों देख सकते हैं उन्होंने ये टेप चिपका दिया, इसके ऊपर बढ़िया मजबूती चिपका दिया। दोस्तों उन्होंने यहाँ पे कैनोला का टेप यूज़ किया। अगर आप लोगों के पास कोई भी टेप हो, डॉक्टर टेप हो या कोई भी टेप हो, कोई भी टेप यूज़ कर सकते हैं। हमारे पास फिलहाल कैनोला टेप ही था, तो उन्होंने कैनोला टेप ही यूज़ किया है। तो दोस्तों देख सकते हैं इस तरीके से मजबूती से आप लोग इसके ऊपर एल्युमिनियम फॉइल रख करके ये जो डॉक्टर ये सॉरी खराब दवाइयों का जो रैपर होता है इसके ऊपर का निकाल करके आप इस तरीके से रख सकते हैं, उसको चिपका सकते हैं। दोस्तों देख सकते हैं उसका किस तरीके से बल्ब हम लोग का ग्लो कर रहा है, देख सकते हो दोस्तों बल्ब हम लोग का बिल्कुल ठीक हो गया है। अब हम लोग इसको जो है वापस से पैक करके भी पूरा जला के चेक कराते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, इससे हम लोग काफ़ी मोटिवेशन मिलता है और आप लोग के लिए अच्छी अच्छी वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहन होती है। दोस्तों इसी तरीके की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और दोस्तों वीडियो पसंद आई तो वीडियो लाइक जरूर करिएगा। देखिए दोस्तों ये बल्ब हम लोग का ग्लो कर रहा है। दोस्तों वीडियो लाइक अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।